बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। और काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों से मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाए, तो मैंने सोचा आज जो है वो व्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। कुछ ना कुछ बन ही जाएगा पूरे दिन में। तो बस यहाँ पर मेरी सिस्टर प्याज कट कर रही थी, सालन बनाना था इनको, या शायद पुलाव बना रही थी, याद नहीं रहा मुझे अभी, क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी नहीं शेयर की। तो जैसे हम प्याज काट रही थी, मैंने बोला चलो इसकी वीडियो बना देती हूँ, यहाँ से ही व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, कुछ तो अच्छा व्लॉग बन ही जाएगा आज के दिन। तो बस सिस्टर ने प्याज कट कर रही थी, तो फिर उन्होंने वो दिखा दिए, और इसके बाद खाना बनेगा। और कुकड़ों की आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि हमारे घर में मुर्गे रहते हैं, तो उनकी भी आवाज़ लाजमी आएगी व्लॉग्स में। तो अभी रात का टाइम था, और यहाँ पर मैं खेल रही हूँ लकी के साथ। ये मुझे बोलने नहीं देंगे, तो खैर आपको अब मुर्गों की आवाज़ सुननी पड़ेगी व्लॉग में। तो यहाँ पर मैं लकी के साथ खेल रही थी, और लकी इतना क्यूट है ना, हमारे पास आ जाता है। और जो स्वीटी है वो इतना ज़्यादा फ्री नहीं होती किसी से, वो सीरियस रहती है अपनी मम्मा की तरह, लेकिन लकी जो है वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही मासूम है। अभी खेल रहा था मेरे साथ, मैंने वीडियो बनाना शुरू करी तो भाग गया, उसको इशारा मारने लग गए। और अभी यहाँ पर बोल रहा है कि मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट। और फिर से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, फ्लैश ऑफ था बोल के, फिर भी इसने देख लिया कि मेरी वीडियो बन रही है। तो ये हो गया है जी नेक्स्ट डे। उस दिन मैंने बस यही क्लिप बनाई थी, ये दो तीन दिन का व्लॉग मिला के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एकदम से ना शाम के वक्त मैं अपना एग्ज़ाम देकर आई थी, और मेरा लास्ट एग्ज़ाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पेपर्स जो है मेरे ख़त्म हो गए। अब मैं फ्री हूँ, और अब अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी मैं। तो बस जी बारिश हो रही थी, बिल्कुल हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, और इतने घने काले बादल आ गए थे आसमान में, और बहुत ही अंधेरा छा गया था। लेकिन फिर खैर शुक्र है इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, हल्की सी बूंदाबांदी होती रही। और ये छत के कुछ व्यू हैं हमारे, चूज़े हैं, इनकी आवाज़ आप लोगों को आती है व्लॉग्स में, ये तो अजाने ये देते हैं, लेकिन जो बड़े मुर्गे हैं ना वो अजाने देते हैं। तो बस मैं अब आप लोगों को भी अपने चूज़ों से मिलवा रही हूँ, और ये भी हाय कर रहे हैं आप लोगों को। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने व्लॉग बनाया है छत का, और भी वो भी चूज़ों का। तो ये समझ रहे हैं कि मेरे हाथ में खाना है और मैं इनको खाना दे रही हूँ, मगर मैं इनका व्लॉग बना रही थी। तो बस अम्मी वाले सारे हम लोग छत पे आ गए थे, फिर अम्मी नीचे गई चाय बनाने के लिए सबके लिए। और अभी मेरी सिस्टर जो है वो खड़ी हुई थी, यूं ही देख रही थी बारिश को, अचानक से चूज़े आए, और सिस्टर को जो कैनोला लगा हुआ है ना उसको मतलब खाने की कोशिश कर रहे थे, ये खाने की चीज़ है। तो मेरी सिस्टर डर के खड़ी हो गई कि मेरे हाथ में ना आ जाए और फिर नूडल ना ख़राब हो जाए, कैनोला को देख के पागल हो गए थे ये सारे चूज़े। तो सिस्टर को जो है वो फ़ीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, और दो तीन दिन पहले बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था उनको, तो उनको अभी ड्रिप्स वगैरह लग रही हैं, तो इसीलिए हाथ में कैनोला भी लगा हुआ है। उनका ब्लड टेस्ट भी अभी करवाने जाना है हम लोगों को, तो इंशाल्लाह हम लोग ने कल जाना है वहाँ पर। और यहाँ पर जी लकी भी बोल रहा है कि मैं ऐसे चलता हूँ और मेरी आप लोग वीडियो बनाए। लकी हमारी वीडियो में ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि स्वीटी आती नहीं है वीडियो में, नखरे दिखाती है। तो यहाँ पे अम्मी ने शाम की चाय बना दी थी सबके लिए। मैंने जब कॉलेज से आई तो फिर इवनिंग में पेपर हो रहे हैं, इसीलिए मैं कॉलेज से आई तो फिर मैंने खाना खाया, बहुत ज़्यादा भूख लगती है शाम में आकर वापस। और माशाल्लाह से पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, आप लोग मेरे रिज़ल्ट के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाए मेरा, आमीन। और अभी हो गया जी नेक्स्ट डे, अभी सिस्टर को लेके जा रहे हैं मैं और अम्मी लेबोरेटरी टेस्ट करवाने के लिए ब्लड टेस्ट। तो उन्हें कैनोला लगा हुआ है, तो वो बोल रही थी कैनोला से ही मेरा जो है ना ब्लड निकाल लें और टेस्ट कर लें। तो मैंने बोला देखते हैं, अगर इसमें से हो पाया तो वो इसमें से टेस्ट कर लेंगे, वरना ये अलग से खून निकालते हैं। तो बस थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, इसीलिए वो वॉइस ओवर भी आज नहीं करवा रही मेरे साथ, तो मैं आज अकेले ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब ठीक हो जाएगी फिर वो भी आ जाएगी व्लॉग में। आप सब उसके लिए दुआ कीजिएगा कि रिपोर्ट्स में जो है वो सही आए, डेंगू वगैरह ना हो। और बस अभी हम लोग चलते हैं लेबोरेटरी टेस्ट करवाने के लिए। और पीछे बेड में थोड़ा सा मैस हुआ है, क्योंकि हम लोग रेडी हुए थे, जल्दी जल्दी जाना था, इसीलिए अभी मैंने क्लीनिंग नहीं की। तो पहले सिस्टर को लेके जाएंगे टेस्ट करवाने के लिए। और अभी हम लोग आ गए हैं जी बाहर, और
बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन ये जो बारिशें हुई हैं ना इतनी तेज़ पिछले महीनों में, तो बहुत ज़्यादा रोड की हालत जो है ना, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं कितने गड्ढे हो गए हैं रोड्स पर। तो हम लोगों ने जो है वो रिक्शा नहीं करवाया, हम लोग आज बस से जा रहे थे और बस बिल्कुल खाली थी, शुक्र है खाली ही थी, हम लोग ही बैठे बैठे बस उसमें। और यहाँ पर नर्सरी है, जो प्लांट्स इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, एकदम ग्रीन फ्रेश, आँखों को ठंडक मिल रही थी। क्योंकि बारिशों में ये पेड़ पौधे तो फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन हमारी सड़कें जो है ना वो अनफ्रेश हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी और खड्डे हो जाते हैं ना। तो बस में भी बहुत ज़्यादा जंप्स आ रहे थे, लेकिन अम्मी ने बोला रिक्शे से जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जंप्स होते हैं, मतलब रिक्शा सारा हिलता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसलिए अम्मी ने बोला बस से चलते हैं। और इतने महीनों बाद आज बस में ट्रेवल किया, और ओबर वगैरह भी नहीं मंगवाई क्योंकि बारिश में है और रास्ते ख़राब होते हैं, इसलिए वो लोग नहीं आते, तो इसीलिए फिर अम्मी ने बोला बस से चलते हैं। और यहाँ पर खूबसूरत सी मस्जिद भी आई थी, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जी यहाँ पर, तो बस टेस्ट करवाते हैं और फिर घर चलते हैं। और दूसरे लोग भी आए थे साथ में ही, मैं समझ रही थी कि बंद ना हो जाए, लेकिन अम्मी ने बोला कि नहीं होगी बंद, ये खुली भी होती है। तो बस डॉक्टर ने जो टेस्ट लिख के दिए हैं वो हम सिस्टर के करवाएंगे यहाँ से, और फिर घर की तरफ चलेंगे, क्योंकि खाना खा के नहीं आए, जैसे ब्रेकफास्ट किया था डबल रोटी और चाय के साथ डिप करके, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, इसीलिए फिर अम्मी ने बोला घर चलते हैं और खाना खाते हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं। तो फाइनली सिस्टर का टेस्ट हो गया है, उन्होंने बोला रिपोर्ट्स कल आ जाएंगी, तो फिर कल भाई या फिर अम्मी लेकर आ जाएंगी वहाँ से। तो फिर घर पे आकर मेरी सिस्टर को मैंने खिलाए फ्रूट्स, क्योंकि ब्लड टेस्ट हुआ है और फीवर में ब्लड की कमी भी हो जाती है, इसीलिए फिर उनको फ्रूट्स खिलाए मैंने। और फिर उसके बाद जी आज हमने लंच बहुत ज़्यादा लेट किया, 6 बज गए थे तकरीबन, जब मैंने अपने लिए अंडे बनाए, एक अंडा बनाया और रोटी के साथ मैं खा रही हूँ, और भाभी ने बनाए थे सबके लिए पकोड़े। तो बस ये हमने आज लंच किया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आज लंच करने में, क्योंकि बाहर भी जाना हुआ और फिर लंच लेट हो गया। तो बस सिस्टर की रिपोर्ट्स आएंगी कल, तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आई होप आप सबको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, और 1000 सब्सक्राइबर भी आप लोगों ने जल्दी से कंप्लीट करवाने हैं। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, और यहाँ पर अम्मी ने सिस्टर के लिए बनाई हुई थी चिकन यखनी, तो वो ये खाएंगी। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह।